रमन एनर्जी, एनवायरमेंटल इश्यू, EIA, बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, देन शेड्यूल एनिमल ऑफ 1972, देन एनिमल डाइवर्सिटी एंड टुडे। ओके okay, तो काली मुझे जितेबाला तुमको पचारि समस्त को गोटे जन को जन को पचारि मुझे जहाँ को पचारि से आंसर दबो। ओके सो मैंने इतने जमी आंसर मिलला 13 टा चैप्टर आंसर तुम समस्त माइंड रे थिबा दरकार को चैप्टर कौन अच्छी को कांसेप्ट को पार्ट रे अच्छी। ओके तो नेक्स्ट आम बेसिकली आज समस्त न्यूज शुणी थो सब जगह लॉकडाउन हो तो सब एग्जाम भी पोस्टपोन हो तो तार ताकू तुम्हें हिंट करके बुझीपारे जे कौन सब सिचुएशन हो आग को तुम एग्जाम भी पोस्टपोन हो पारे तो जेहेतु ऑफिशियली सेमती किसी डिक्लेयर है तो आम सेमती किसी कहीपरि जे कौन हम। ओके तो तुम्हें कौन कर पार ना तुम एक्सटेनसन कर तुम प्रिपेरेसन को मुझे सजेस्ट करी कि तुम्हें तो ये खाली प्रिलिम पढ़ुल मेन भी तुम्हें पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर डेली गोटे एटलिस्ट गोटे लंग क्वेश्चन को लेख आउ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थिला ताकु टच भी छाड़ी जाइ थो तमे पढ़ी नथियो बहुत सारा माने ताकु पुनी जेमति पढ़ आगरु पढ़ुथिलो ताकु पुनी स्टार्ट कर। ओके सो एमती करिकि पुनी जस्ट तमो प्रिपेरेशन को रिगोरियस कर लॉकडाउन हेबो बोली ता माने नो जे बहुत पिला होछन लॉकडाउन हेले पढ़ंतिनि लॉकडाउन हला एग्जाम घुंची गला एमती कि रहि जाय तो तमे लॉकडाउन जेतबेला आसुची तार यूटिलाइज कर अपॉर्चुनिटी नियो तार ताकू भलसे आउ जी तुम कष्ट ताकू फर्दर ताकू स्ट्रेंथेन कर तुम सब्जेक्ट उपर जहाँ सब्जेक्ट विकनेस रोचे बढ़ाओ। ओके तो सहीटा ही मोर ऑब्जेक्टिव थिला फास्ट जो जिन तुमको कहार समस्ते जो मैंने ओएस प्रिपेयर हो समस्ते एटलिस्ट गोटे क्वेश्चन को लेख तो फर्दर आम जो सिविल सर्विस कर्नर जो टेलीग्राम चैनल समस्त डेली गोटे क्वेश्चन आसो जोटा कि प्रिवियस ईयर क्वेश्चन सहित लिंक थी। ओके सो प्रिवियस ईयर लिंक प्रिवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सपोज आम हिस्ट्री क्वेश्चन मुझे तुमको पचारि हिस्ट्री सब्जेक्टर प्रिवियस ईयर क्वेश्चन 2015 और 16 17 18 19 एनी सब क्वेश्चन विल बी अपडेटेड तापर इवनिंग रे तुमको गोटे रेफरेन्स तुम्हें तुम निजे निजे रेफर कर कि तुम जब रेफरेन्स पा न मैटेरियाल तेल से कमेंट कर दे आम प्रोवाइड करूँ तुमको मैटेरियाल रेफर करमें लिखिपर कि तुम पाखे समस्ते आगे तो पढ़ी थो समे तो जो मैंने ऑलरेडी मटेरियल अच्छी ताकू रेफर करके तुम पढ़ तो क्वेश्चन आंसर लिखिबार स्टेजेस अच्छी। ओके सो स्टेज केमती ना स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री एमती अच्छी तुम फास्ट स्टेज जो मैंने अच्छ जो मैंने प्राक्टिस करन जमारू ताकू मुझ सजेस्ट करी आगो सिलेबस को खातार लिख सिलेबस को खातार लिखिकी तापर प्रिवियस ईयर क्वेश्चन कौन लिखी ताकू गोटे गोटे कर सेग्रिगेट कर कौ सब्जेक्ट कौ क्वेश्चन पढ़ी देन लेखा स्टार्ट कर विथ फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 रो क्वेश्चन को स्टार्ट कर जदि तुम निजे करन से जो चैनल जो क्वेश्चन अपलोड हे ताकू तुम रेफर कर सही तुम लेखा स्टार्ट कर तो एमती तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिते गोटे ओवरऑल आईडिया आसीजिव तुम जस्ट रेफर करके लिख डायरेक्ट तुमको न देखिकी लिख मैंने लिख सेमती किसी ना तुम रेफर करके भी देखिपर मैंने देख बुक रिसर्च को देख रेफर करके लिख सेकेंड स्टेज रे तुम ताकू रेफर करने जमी पड़ोनी। ओके तो दुईटा स्टेज रुम लिख गोटे बुक को रेफर कर डायरेक्टली देख सेकेंड स्टेज जो तुम लिख से जमी देखापी न पड़े तो से जो न देखिकी लिखाटा ही एक्चुअली आंसर रईट। ओके तेणु तुम जो स्टेज में अच तुम निजे जान कौ स्टेज अच तेणु से ही अनुसार तुम जब आगु प्राक्टिस कर तुम बुक न देखिकी जस्ट ताकू आगे रिडिंग करके आंसर रईट कर। ओके तो एबे हमें स्टार्ट करिबा आज टॉपिक हला प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया तो जस्ट गत कालीर टॉपिक को हमें डिस्कस करथले एनिमल डाइवर्सिटी हमर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मानको हमें डिस्कस करथले तो बहुत सारा पिला माने सेथरे जो ग्रुप रे अछो से ग्रुप रे पोस्ट भी करथलो सबु जो जाउ जो मानको टास्क दैथली समस्त तुम टास्क को कंप्लीट करछो। ओके तो सेमती पुणी मु आज टास्क देबी ताकु तुम देखिबो तो एथरे आमे बेसिकली प्लांट डाइवर्सिटी बहुत बड़ चैप्टर तुम जो देख तुमको एटलिस्ट दि तीन टा क्लास लगे। ओके सो दि तीन टा क्लास को तुम कमी मुझ तो पूरा कम्प्लीटली पढ़ेबी तुमको जस्ट रेफर करी जो यही पार्ट गुड़ाक कम्प्लीट कर मुझे जो डिस्कसन कर तुम एटलिस्ट तुम जानवे हाँ आम ये जिनस गुटा डिस्कस करें। ओके सो
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଉ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆନିମଲ୍ରେ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ? ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିଲେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଚାପ୍ଟରରେ? Cell and tissue not highly organized and outer side highly organized. Non-vascular tissue, vascular tissue. Cell and tissue they body to algae, fungi, bacteria and cell and tissue organized around body to diaphyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. Angiosperm, monocot, dipod. Okay. ତ ତାକୁ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ତମେ ତାକୁ ଆଗ ଲିଙ୍କ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିନ, ୟାକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହବ। ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଫୌନାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଫୌନାରେ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଫୌନା ଫ୍ଲୋରା, ଫୌନା ମାନେ ଆନିମଲ୍। ତ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଫ୍ଲୋରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ଫ୍ଲୋରାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଆମେ କାଟାଗୋରି କରିକି ବୁଝିଥିଲେ। ସେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିସୁ ନଟ୍ ହାଇଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟିସୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ତାପରେ ଆଲଜାଇ ଫଞ୍ଜାଇ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖ ଆଲଜାଇ ଫଞ୍ଜାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତାପରେ ଲିଚେନ୍, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ, ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ୟାକୁ ତମେ ଲିଙ୍କ କରିବ, ପୁଣି ଲିଙ୍କ କରିକି ଚାପ୍ଟର 13କୁ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଚାପ୍ଟର 13ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖ। ଚାପ୍ଟର 13ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ହର୍ବ, ସ୍ରବ୍, ଟ୍ରି, ପାରାସାଇଟ୍, ଏପିଫାଇଟ୍, କ୍ଲାଇମ୍ବର। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ତ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫ୍ରଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ଲସ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ନୋ, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ, ସ୍ନୋ, ଟେମ୍ପରେଚର, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ତମେ ଇଫେକ୍ଟ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ କନସିଡର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ଡାଇବ୍ୟାକ୍। ଓକେ, ସୋ ଏଇସବୁ ପାର୍ଟ ହେଲା 13.2ରେ ଆମର ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆବାୟୋଟିକ୍, ଏଇଟା ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଆବାୟୋଟିକ୍ ବାୟୋଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲ ମୋତେ। ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଡିକମ୍ପୋଜର, ପାରାସାଇଟ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ଆବାୟୋଟିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ, ସ୍ନୋ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତମେ କରିବ, ସମସ୍ତେ ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ, ତମେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବ। ସିମ୍ପଲି ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ 5-6ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ତାର ନେମ୍ ଲେଖିବ, ତାର ହାବିଟାଟ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଇନ୍ସେକ୍ଟକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛି, ତ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଟ୍ରାପିଂ ମେକାନିଜିମକୁ ତାକୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବ। ଓକେ, ଏମିତି ହେଇକି ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ଇନଭେସିଭ୍ ଆଲିଏନ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ତ ଆଲିଏନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଲିଏନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଆଲିଏନ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ତ ଆଲିଏନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଅଛି, ଇନଭେସିଭ୍ ଆଲିଏନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖ ଅଛି, ରିଡିଲ୍ ବୋସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ୱେଟେଲ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟେବୁଲରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦେଖ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତ ନେମ୍ ଲେଖିବ ସିମ୍ପଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଲମରେ ଲେଖିବ ନେଟିଭିଟି, ତାର ନେଟିଭିଟି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାପରେ ରିମାର୍କ। ତ ଏଥିରେ 4ଟା ଟେବୁଲ୍ ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଏମିତି କରିବ ଯଦି ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ତମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କପି ପେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ। ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କଲମ ରଖିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର କରିବ। ଓକେ, ସେ ନାଁ ଲେଖୁଛ, ନାଁ ଲେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ତମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବି ସେମିତି ଟେବୁଲ କରିକି କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖିକି ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ରେଡ୍ ଭଣ୍ଡା, ସର୍ପଗନ୍ଧା ଏସବୁ। ତାପରେ ଟ୍ରି, ଟ୍ରି ମାନେ ଟ୍ରି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଢୁଛେ, ଟ୍ରିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଟ୍ରିଟା ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହର୍ବସର ଭିତରେ, ତେଣୁ ଟ୍ରିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଥିରେ ମେନସନ ହେଇଛି, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି କ'ଣ ଆଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଏଥିରେ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ବି କରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ବୁକ୍କୁ ଯିବା, ବୁକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବା ଆମେ ହର୍ବ କହିପାରିବା, ସ୍ରବ୍ କହିପାରିବା, ଟ୍ରି କହିପାରିବା, ପାରାସାଇଟ୍ କହିପାରିବା। ତ ପାରାସାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଓକେ, ପାରାସାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ତ ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ହର୍ବ କ'ଣ, ସ୍ରବ୍ କ'ଣ ଆଉ ଟ୍ରି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସାର୍ ହର୍ବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଉଛି ଲାଇକ୍ ବାନାନା ଟ୍ରି। ବାନାନା ଟ୍ରି କ୍ୟାନ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ହର୍ବ ବିକଜ୍ ତାର ମାନେ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ଆର୍ ଭେରି ସଫ୍ଟ। ଶ୍ରବ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସୁଗର କେନ୍। କୁହ କୁହ, ଜଣେ କହିସାରୁ ତାପରେ ତମେ କହିବ। ତ ଶ୍ରବ୍ ଇଜ୍ ସୁଗର କେନ୍। ହଁ, ବିଭୂଷଣ କହିସାର, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କହିସାର। ସାର୍ ସୋ ସୋ ଶ୍ରବ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେଟା ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଟିକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡର ଦେନ୍ ଦ ହର୍ବ। ସୋ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଇକ୍ ବାମ୍ବୁ ଆଣ୍ଡ ସୁଗର କେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରି ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ where and the tree is much bigger than shrub and herb both like their height can be much more and their longevity is also much more than herb and shrub। okay, tapre au ki jane kahuthile aur mane buddha ha chote pranati। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା, ଭୂଷଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାନାନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା, ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 1 ମିଟର। ଓକେ, ତ 1 ମିଟର ଏଥିରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ଯେ 1 ମିଟର ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ହର୍ବ କହିବା ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ। ଓକେ, ସୋ ହର୍ବ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଜ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖ, ସେ ଷ୍ଟେମ୍ ଯାହାର ଥାଏ, କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ତାର କଲର୍ଟା କ'ଣ ଗ୍ରୀନ ନଥାଏ, ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ଟା ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ ଥାଏ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡର ୱିଥ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 1 ମିଟର। ତ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଦୁଇଟାକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେମ୍, ତାର ଷ୍ଟେମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୀନ, ଆଉ ହାଇଟ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 1 ମିଟର। ଦେନ୍ ସାର୍ 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 ଏଇ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନଟା 1 ମିଟର ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ବାନାନା ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ହର୍ବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ ସେଡ୍। ଓକେ ଓକେ, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହର୍ବ ସାର୍ 1 ମିଟର, ସେଇ ବାନାନା ଟ୍ରିଟା ମେ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଥାଇପାରେ, ଏକ୍ସେପସନ୍ ଥାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ସର୍ବ, ସର୍ଭ ମାନେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ପାର୍ଟ। ଆମେ ତମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଥିବ ଆଗରୁ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲି ହର୍ବ ସର୍ଭକୁ ନେଇକି, ଏନ୍ସିଇଆରଟିର 7 କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଦେଖିଥିବ, ତାର ପିକ୍ଚର୍ ବି ଦେଖିଥିବ ତମେ। ସୋ ସର୍ଭ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଉଡ଼ି ପେରେନିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ପେରେନିଆଲ ହର୍ବ। ଓକେ, ହର୍ବରୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଷ୍ଟେମ୍। ତ ଇଟ୍ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଟ୍ରି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଲୋ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବେସ୍। ତ ବେସିକାଲି ସର୍ଭ କ'ଣ ନା, ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗଛ ଯେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଥାଏ, ସେମିତି ଶ୍ରବ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାର ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖ, ଶ୍ରବ୍ର ବି ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 6 ମିଟର ଇନ୍ ହାଇଟ୍। ତେଣୁ ଶ୍ରବ୍ର ମିଟର ବା ଶ୍ରବ୍ର ହାଇଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଥିବ, 6 ମିଟର ଥିବ। ତାପରେ ଟ୍ରି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଉଡ଼ି ପେରେନିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଭିଂ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟେମ୍। ତାର ଷ୍ଟେମ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଥିବ, ୱିଥ୍ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ କ୍ରନ୍। କ୍ରନ୍ ଏଠି ଦେଖିବା, ଆମେ ଟ୍ରିର ପାର୍ଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା,
ତାପରେ ପାରାସାଇଟ ଓକେ ପାରାସାଇଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପାରାସାଇଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ତ ପାରାସାଇଟ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ ହୁଇଚ ଡ୍ର ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ହୋଲ ଅଫ ଇଟ୍ସ ନୁରିସମେଣ୍ଟ ମାନେ ପାରାସାଇଟ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଯେତେବେଳେ ନ କରିକି ସେ ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ସେ ନରିସମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରିସିଭ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପାରାସାଇଟ କହୁଛେ ତ ପାରାସାଇଟ କ୍ୟାନ ବି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ପାରାସାଇଟ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ସିଆଲ ପାରାସାଇଟ ତ ଟୋଟାଲ ପାରାସାଇଟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ତାର ହଲ ନରିସମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାରାସାଇଟ କହିବା ଆଉ ପାର୍ସିଆଲ ପାରାସାଇଟ ଡ୍ର ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଟ୍ସ ନରିସମେଣ୍ଟ ସପୋଜ ମୋର ଭେଜ ବି ଦରକାର ନନଭେଜ ବି ଦରକାର ତ ନନଭେଜ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ସପୋଜ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲି ଆଉ ଭେଜ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପାର୍ସିଆଲି ପାରାସାଇଟ ବି ତମେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବ ଟୋଟାଲ ପାରାସାଇଟ ଆଉ ପାର୍ସିଆଲ ପାରାସାଇଟ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏପିଫାଇଟ ଓକେ ତ ପାରାସାଇଟ ଆଉ ଏପିଫାଇଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିମମ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ପାରାସାଇଟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନରିସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପିଫାଇଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏପିଫାଇଟ କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେ ହର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ନରିସମେଣ୍ଟ ସେ ଆସେପ୍ଟ କରୁନି ବା ନରିସମେଣ୍ଟ ନଉନି ତ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ କରୁନି ତାକୁ ଆମେ ଏପିଫାଇଟ କହିବା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପାରାସାଇଟ କହିବା ସିମ୍ପଲି ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ଓନ୍ଲି ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ହର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ତ ହର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଥିବ ଏପିଫାଇଟ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଲାଗିଥିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ କହିପାରିବ କିଏ ଭଣ୍ଡା ଓକେ ତ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଣ୍ଡା 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 ଯଦି ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଗୁଗୁଲରେ ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡା ଗଛକୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭଣ୍ଡା ଏଇଟା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଭଣ୍ଡା ଖାଲି ଭଣ୍ଡା ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏପିଫାଇଟ ଓକେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏପିଫାଇଟ କହୁଛେ ବଟ୍ ତାର ନରିସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ନରିସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉନି ସେ ଖାଲି ଆସେସ୍ କରୁଛି ଲାଇଟକୁ ଆସେସ୍ କରୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ଲାଇମ୍ବର କ୍ଲାଇମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟେ ହର୍ବିସିୟସ୍ ଅର୍ ଉଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ଅର୍ ଅଦର ସପୋର୍ଟ ବାଇ ଟୁଇନିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଅର୍ ବାଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦେମ୍ ବାଇ ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ ହୁକ୍ ଏରିଆଲ ରୁଟ୍ ଅର୍ ଅଦର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଏପିଫାଇଟ ହେଲା ସିମ୍ପଲି ଲାଇଟ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ତାକୁ ଆଉ କ୍ଲାଇମ୍ବର ମାନେ ଏଥିରେ ଅଲଗା ପର୍ପଜ ପାଇଁ ସେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଦର ସପୋର୍ଟ ବାଇ ଟୁଇନିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଅର୍ ବାଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦେମ୍ ବାଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ରିଲ ହୁକ୍ ଏରିଆଲ ରୁଟ୍ ଅର୍ ଅଦର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଛଅଟା ଟାଇପ୍ର ଏଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରି ତ ନୁହଁ ସିକ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ତ ହର୍ ସର୍ ଟ୍ରି ପାରାସାଇଟ ଏପିଫାଇଟ କ୍ଲାଇମ୍ବର ଓକେ ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଦେଖ ଦ ହର୍ବିଭରସ୍ ଅର୍ ଓଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ଅର୍ ଅଦର ସପୋର୍ଟ ବାଇ ଟ୍ୱିନିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଅର୍ ବାଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦେମ୍ ବାଇ ଟେଣ୍ଡ୍ରିଲ ହୁକ୍ ଏରିଆଲ ରୁଟ୍ ଅର୍ ଅଦର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତାର ସୁଟ୍କୁ ସେ ଗ୍ରୋଥ କରୁନି ବଟ୍ ଗ୍ରୋଥ କରୁଥିବ ବଟ୍ ମୋର ଫୋକସ୍ କରୁଛି କ'ଣ ରୁଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ଓକେ ରୁଟ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ସେ ମୋର ଫେଭର କରୁଛି ହୁଇଚ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟେମ୍ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ ସ୍ମଲର ଥିକର ଲିଭ୍ ହେବ ସ୍ମଲର ଆଉ ଥିକର ଲିଭ୍ ହେବ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଲୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଫ୍ରୁଟିଂ ଉପରେ କ'ଣ ଆସିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥଟା କମିଯିବ ଓକେ ତ ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହ୍ୱେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ମିନିମମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜେସ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ CO2 ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଡାଏ ଓକେ
মিনিমম রিকোয়ারমেন্ট লাইট যেতিকি যদি দরকার যেতিকি দরকার সে লাইট যদি পাওনি তাহলে ধীরে ধীরে কোণ হব না CO2 আকুমুলেট করিব সেথিরে আউ সে ডাই হইযিব আউ এডি বহুত ইম্পর্টেন্ট পার্ট অছি দেখো যেতবেলে গছটা গোটে বা প্লান্ট আমার যেতবেলে ফটোসিনথেসিস করে কোণ অছি না আউট অফ সেভেন কলর দ্য ভিজিবল পার্ট অফ দ্য স্পেকট্রাম অনলি রেড এন্ড ব্লু আর ইফেক্টিভ ইন ফটোসিনথেসিস মানে ফটোসিনথেসিস যে প্রসেসরে রেড আউ ব্লু হি ইফেক্টিভ হুয়ে অলগা সবু যে কলর অছি সেভেন কলর কোণ কি কই পারিব সেভেন কলর যে অছি ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু তারপরে গ্রিন ইয়েলো অরেঞ্জ येलो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ओके तो ओनली रेड आउ ब्लू को से फोटोसिंथेसिस रे यूज करछि तो एग्जाम रे पडिबो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो तापरे प्लांट ग्रोन इन ब्लू राइट लाइट आर स्मॉल जो प्लांट ब्लू लाइट को नेगी ग्रो करे से प्लांट को स्मॉल प्लांट कहंथि बस स्मॉल से तार साइज स्मॉल आउ रेड लाइट जदि पडिला ताले से प्लांट से बडो होइ जइबो ओके एलोंगेशन ऑफ सेल तो सेटा ताको हमें कहउछे एटी एटियोलेटेड प्लांट যদি ইউভি লাইট পড়লা ওকে প্লান্ট গ্রোন ইন ইউভি লাইট এন্ড ভায়োলেট লাইট আর কল ডোয়ার্ফ প্লান্ট তো সমস্ত জানিছো ডোয়ার্ফ প্লান্ট মানে গছ পুরো কমপ্লিট গছ কই পারিবেন তাকো আমি ডোয়ার্ফ প্লান্ট কইবা মানে সেম সিমিলার টু স্মল প্লান্ট আমি কই পারিবা ওকে তো এইটা হলো বহুত ইম্পর্টেন্ট তারপরে ফ্রস্ট ফ্রস্ট র ইফেক্ট কেমতে রহুছি প্লান্ট ভিতরে কিলিং অফ ইয়ং প্লান্ট ইভেন লাইট রেডিয়েশন ফ্রস্ট চিল দা সয়েল রেজল্টিং ফ্রিজিং দা সয়েল ময়শ্চার তো ময়েশ্চর আমার বহুত ইম্পর্টেন্ট ময়েশ্চর যদি সপোজ এতে আমার ফ্রস্ট ফ্রস্ট যদি প্লান্টরে জমিকি রহিলা তাহলে সেই সয়েল ময়েশ্চর উপরে সেই যে সয়েল ময়েশ্চর থিব সয়েলে সেটা কোণ হব ফ্রিজিং হয়ে যাব তেমন দ্য প্লান্ট প্লান্ট গ্রোয়িং ইন সচ সয়েল গেট এক্সপোজ টু ডাইরেক্ট সনলাইট ইন মর্নিং দে আর কিল ডিউ টু ইনক্রিজ ট্রান্সপিরেশন ওয়েন দেয়ার রুটস আর অনেবল টু সাপ্লাই ময়েশ্চর সো দিস ইজ দ্য মেন রিজন ফর ইন ইননোরেবল ডেথ ফর শাল সিডলিং তো শাল শাল গছ দেখিথিব সমস্তে তো শাল গছর এতে এক্সাম্পল দেইছি শাল গছর মানে ফ্রস্টর কেমতি আডভার্স ইফেক্ট পড়ুছি শাল গছরে সেতে সে এক্সাম্পল দেইছি ওকে তো এতে কোন হচ্ছি না বেসিক্যালি ময়শ্চর উপরে ইফেক্ট পড়ুছি ফ্রস্ট যেতবে ময়শ্চর সহিত রহুছি ময়শ্চর উপরে ইফেক্ট পড়ুছি সেতিপাই সেই যো এটা লেখা হইছি দা প্লান্ট গ্রোয়িং ইন সচ সয়েল গেট এক্সপোজ টু ডাইরেক্ট সানলাইট ইন মর্নিং দে আর কিল ডিউ টু ইনক্রিজ ট্রান্সপিরেশন when their roots are unable to supply moisture to root jo lekha hi ji root ro kaam kon ki koi paribo gachha ro root jo achi root ro dui ta kaam achi dui ta kaam kon stability to the tree and second is to get the nutrients from the soil okay very good to gote hela gachha ro strength si root hi dorkar root jodi strong aitibo gachha ro strong rahi ki rahibo আউট হেলা সে যে সয়েল রু কোণ করিব রুট কলেক্ট করিব কোণ নিউট্রিয়েন্ট কলেক্ট করিব এটা হেলা দুইটা ফাংশন রুট র তারপরে ফ্রস্ট যোগ আমার ডেথ বি হুয়ে কোণ কেমতি না ডেথ অফ প্লান্ট ডিউ টু ড্যামেজ টু সেল অ্যাজ এ রেজল্ট অফ ফ্রস্ট ওয়াটার ইন দ্য ইন্টার সেলুলার স্পেসেস অফ দ্য প্লান্ট গেট ফ্রোজেন ইন টু আইস হুইচ উইথড্র ওয়াটার ফ্রম দ্য ইন্টেরিয়র টু দ্য সেল সো দিস রেজল্ট ইন ইনক্রিজিং কনসেন্ট্রেশন অফ সল্ট অ্যান্ড ডিহাইড্রেশন অফ সেল থস coagulation and precipitation of the cell collide result in death of the plant to frost jogu amra adverse effect bi rahuchi tanu it likha hai chi dekho leads to formation of canker canker mane kon gote gachhare jete bele kon hobo edi siudi piudi jete bele jami jibo algae fungi lichen to ei sabu jete bele jami jibo se taku ame leads to formation of canker boli kahiba gacha upare jota jami jibo tapre dekho ame dekhile intensity of light ku dekhile tapre intensity of frost ku dekhile ba effect of frost ku dekhile third re ame dekhiba snow on plant snow cover kemti rahuchi to snow influence the distribution of deodar fir and sprouts to basically snow jo jaga re dekha jae ei sabu plant beshi grow karanti deodar deodar gacha kanti jota फिर एंड स्प्रोस स्नो एक्ट एज ए ब्लांकेट ओके स्नो ब्लांकेट हिसाब रे काम करे प्रिवेंट फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड एंड फ्रॉस्ट
ଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ଷ୍ଟେମ୍। ତେଣୁ ସ୍ନୋ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ସ୍ନୋର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଏ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡ୍ରପ୍ରୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ। ସର୍ଟେନ୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଲ୍ସୋ ଅପ୍ରୁଟ୍ ଦ ଟ୍ରି। ତ ଆମର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ସର୍ଟେନ୍ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଏଲ୍ସୋ ଅପ୍ରୁଟ୍ସ ଦ ଟ୍ରି। ସୋ ସ୍ନୋର ଇଫେକ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଆଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଜମିଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟର। ସୋ ଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଦେଆର୍ ବାଇ କଜେସ୍ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ରେଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଗ୍ରେଟର ସସେପ୍ଟିବିଲିଟି ଟୁ ଫଞ୍ଜାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଆଟାକ୍। ଇଟ୍ ଏଲ୍ସୋ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ମଏଶ୍ଚର୍। ତ ଏଇସବୁ ପାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ନା, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ରେ, ଆଉ ଫ୍ରଷ୍ଟ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ସ୍ନୋ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହିସାବରେ, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି, ଏକ୍ସେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ହେବ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଏଥିରେ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ଡାଇ ବ୍ୟାକ୍। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ଦେଖିବ ପତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ପତ୍ରଟା ଶୁଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା। ତାପରେ ସେ ପତ୍ରଟା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ସେ ପତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ସେଇଟା ଶୁଖିଯିବ, ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଗଛଟାକୁ ମରିଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଟ୍ରିର, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଡାଇବ୍ୟାକ୍ କହନ୍ତି। ସୋ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡାଇଂ ୟୁଜୁଆଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡାଇବ୍ୟାକ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡେପ୍ଟିଭ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍। ସୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଦ ରୁଟ୍ ରିମେନ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର ବଟ୍ ସୁଟ୍ ଡାଏ। ତ ଆମର ବେସିକାଲି ରୁଟ୍ଟା ବଞ୍ଚିକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସୁଟ୍ଟା ଉପର ପାର୍ଟଟା ସେଟା ଡାଇ ହେଇଯାଏ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ ସାଲ୍, ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡର, ଟର୍ମିନେଲା, ତାପରେ ସିଲ୍ କଟନ୍ ଟ୍ରି ଆଉ ସେରେଟା। ତ ଡାଇବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା, ଡେନ୍ସ ଓଭର ହାର୍ଡ ହେଡ୍ କ୍ୟାନୋପି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଆଡିକୁଏଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ରେ, ତେଣୁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ହେଡ୍ କ୍ୟାନୋପି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ସେ ଗଛଟା, ତାହେଲେ ଆମର ଡାଇବ୍ୟାକ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଡେନ୍ସ ୱିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନ୍ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଲିଫ୍ ଲିଟର ଅନ୍ ସର୍ଫେସ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ, ଡ୍ରିପ୍, ଡ୍ରଟ୍, ଗ୍ରେଜିଂ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବ୍ୟାକ୍। ଓକେ, ତାପରେ ସବୁ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ରେ ତମେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଲାସିଫିକେସନକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ରାପିକ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଯଦି ଇନ୍ସେକ୍ଟକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛେ। ତାପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠୁ ନା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଇନ୍ସେକ୍ଟକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହିସାବରେ ଟେକ୍ କରନ୍ତି ବା ନିଅନ୍ତି। ସୋ ଦେ ହାଉଏଭର୍ ନେଭର୍ ପ୍ରେ ଅପନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅର୍ ଲାର୍ଜ ଆନିମଲ୍ ଆଜ୍ ଅପନ୍ ଡିଫିକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫିକ୍ସନ୍। ତ ଫିକ୍ସନ୍ରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଗଛଟା ଭାଲୁଟାକୁ ଖାଇଦେଲା କି ମଣିଷଟାକୁ ଖାଇଦେଲା, ସେମିତି କିଛି ଆମର ଅରିଜିନାଲି ନେଚର୍ରେ ହୁଏନି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇନ୍ସେକ୍ଟ, ଛୋଟ 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 ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଗଛମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହିସାବରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛେ। ତ କିଏ ସେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କିଏ କହିପାରିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାର? ଦେଖ ଗ୍ରସେରା ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାସିଭ। ତାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବହୁତ, ଓକେ। ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନ୍ସେକ୍ଟିଭେରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାସିଭ। ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ତାର ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଲିପ୍ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଏଇଠି ବସିଲା କି ପାଖରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପାସିଭ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ପିଟ୍ଫଲ୍ ମେକାନିଜିମ୍। ଓକେ, ସୋ ପିଟ୍ଫଲ୍ ମେକାନିଜିମ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ
जार बा पिचर लाइक र स्ट्रक्चर थाए एमती एमती टाइप र स्ट्रक्चर थाए तो से माने एमती कि तांको प्लांट रे थाए से प्लांट कोन कर सपोज ए इंसेक्टा कोन हो ट्रैप करकि पड़ी दबो ताले पड़ी सारिला परे से प्लांटटा ताकु कैप्चर न्यूट्रिशन हिसाब रे एक्सेप्ट करंदी. ओके तो लिखा है देखो लाइक स्ट्रक्चर इनटू व्हिच इंसेक्ट स्लिप एंड फॉल्स टू इवेंचुअली बी डाइजेस्टेड. तो एमती है कि दुटा टाइप रफ इनसेक्टिवेरस प्लांट अच्छी तेणु मन रख पर्टिकुलरली मन रख पासिव प्लांट मैंने पिटफॉल मेकानिज्म को फॉलो करती एक्टिव प्लांट मैंने नुह. तापरे इनसेक्टिवेरस प्लांट ऑफन हैव सेवरल अट्रैक्शन सच एज ब्रिलियंट कलर देखिबो तुम्हें जदि एई जो एट देखो एग्जांपल दिसि देखो ड्रोसेरा और सनड्रियू याकु तुम्हें सर्च करके पोस्ट करिबो देखिबो ग्रुप रे सेथिरे देखिबो बहुत बढ़िया देखाउची से माने अट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ तांकर कलर रे अट्रैक्शन करंती किमा किसी स्वीट भी सिक्रेट करंती स्वीट सिक्रेशन देखो एथिरे लिखा हिची ड्रोसेरा जो हमर अछि ड्रोसेरा जो इनसेक्टिवेरस प्लांट अछि तार इनसेक्ट ट्रैपिंग मेकानिज्म कौन ना टेंटाकेल ऑन लीव्स सीक्रेट ए स्टिकी फ्लुइड दैट शाइन्स इन द सन लाइक ड्यू ड्रॉप्स. सो सही टाइप रो लिक्विड से माने सीक्रेट करके अट्रैक्ट करती एंड अदर क्यूरियस टू लर देम इनोसेंट विक्टिम. ओके तो ये माने भी मनीष भाया जस्ट लोभ देखिए अट्रैक्ट कर दिखती आउ कैप्चर कर दिखती से माने हंटिंग कौन पे करती इनसेक्टिवेरस प्लांट माने एटी क्वेश्चन पचारछि व्हाई डू दे हंट डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल रूट एंड फोटोसिंथेटिक लीव तांको पाखरे तो देखिथिबो तमे से प्लांट उडा को से माने नॉर्मल रूट तांकर अछि गछ भले देखाउ छथि तांकर लीव भी अछि फोटोसिंथेसिस भी हेई परियो सेतरे ताले कोन पे से माने हंटिंग करंती ना मेनली तारो बेसिक कॉज हला दिस प्लांट आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ रेन वॉश्ड न्यूट्रिएंट पुअर सोइल और वेट एंड एसिडिक ट्री that are ill drained. Such wetlands are acidic due to anaerobic conditions which cause partial decomposition of organic matter which release acidic compound into surrounding. As a result, most microorganism necessary for complete decomposition of organic matter cannot survive in such poorly oxygenated condition. Okay, तनु एडाला तारो रीजन बेसिक रीजन कौन ना से माने नॉर्मल जदि कॉज देखिबा से माने रेन वॉश्ड बा न्यूट्रिएंट पुअर सोइल रे जेतु थांती से माने फोटोसिंथेसिस कोनोसी कारण तु करि परंतिनी सेति पई से माने सेही पार्ट को अडॉप्ट करंती. ओके तापरे इथे जो हैंडआउट मु देछि देखो इटी ड्रोसेरा अल्डोहंड्रा नेपेंथिस यूट्रिकुलेरिया पिंगुइकुला ए सब जो पांचटा पार्ट अछि ए पांचटा पार्ट को तमे कोन करिवो रे टेबल करिवो ताकर हैबिटेट कोन से माने मार्स प्लेन रे रहंती ना डेजर्ट रे रहंती ना कोट रे रहंती से हैबिटेट को मेंशन करिवो आउ से माने ताकर मेकानिज्म इंसेक्ट ट्रैपिंग मेकानिज्म को इथरे मेंशन करिवो. ओके तो समस्त ए टेबल करकी पोस्ट करिवो ग्रुप रे तो इथरे मु डिस्कस करनी डिटेल सेथरे तमे निजे डिस्कस करिवो एटा. तापर देखो एटी गोटे मेडिसिनल प्रॉपर्टी अछि तो ड्रोसेरा जो एग्जांपल देथिला से तबले ड्रोसेरा आर कैपेबल ऑफ कॉडलिंग मिल्क इट्स ब्रोज्ड लीव्स आर अप्लाइड ऑन ब्लिस्टर यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क तनु एमानकर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी अछि आ भल अलगा प्रॉपर्टीज भी अछि जोटा कि ह्यूमन कम्युनिटी बा ह्यूमन मानक पई बेनिफिशियल. तापर थ्रेड आ बेसिकली इनसेक्टिवेरस प्लांट माने थ्रेड भी पोज करंती जेमती gardening trading for medicinal properties is one of the main cause for their decline. Tapre habitat destruction is also rampant, the wetland harboring such plant being the main causality during the expansion of urban and rural habitation. Tapre pollution caused by effluent containing detergent, fertilizer, pesticide, sewage etc into wetland is yet to another major cause for their decline. To emane jo plant bahut sara achanti insectivorous plant एमानकर थ्रेटनिंग केमती होउची ना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होउची पॉल्यूशन होउची एई सब जिंस पई से माने आउ तांकर भी थ्रेट रहउची. आमे देखिले इनसेक्टिवेरस स्पीसीज. ओके तो एबे आमे देखिबा इनवेसिव एलियन स्पीसीज. इनवेसिव एलियन स्पीसीज माने की कहि परिबो व्हाट इज इनवेसिव एलियन स्पीसीज फॉर एग्जांपल इन द ओके गो प्लीज गो
सर इन्वर्सिंग एलियन स्पीशीज तो होची फॉर एग्जांपल वाटर हायसिंथ सो इफ इट कम्स टू अ कम टू एन एरिया सो इट विल सप्रेस और किल अदर्स ओके तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज माने लिखा है देखो प्योर माने पूरा इजीली लिखा है पर्पसफुली और एक्सीडेंटली पीपल ऑफन ब्रिंग नॉन नेटिव स्पीशीज इनटू न्यू एरिया where species have few or no natural predator to keep their population in check to incidentally say species introduce hue kimba purposefully introduce hue to alien species actually kon these are the species which occur outside their natural range to invasive mane janiche ame invasive ba alien jo kohcha ame samane kon if amo area re thanti amo area re nathanti tankaro area alga thae but seta accidentally kimba purposefully ସେଠୁ ଆମେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଓକେ ତ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏକ୍ସିତୁ ଇନ୍ସିତୁ ଏକ୍ସିତୁରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିକି ପର୍ପଜଫୁଲି ଆମେ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପର୍ପଜଫୁଲି ଗୋଟେ ଆମର ମାମାଲ ବା ଅଲଗା ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କନଜର୍ଭ କରନ୍ତି ସେମିତି ଇନଭାସିଭ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବି ତାର ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଅଲଗା ରୁହେ ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲିଆନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ that occur outside their natural range alien species that create a native plant and animal or other aspects of biodiversity are called alien invasive species they occur in all groups of plant and animal as competitor predator pathogen and parasite so basically alien species mane competitor hisab re role play karanti predator hisab re koi pariba pathogen hisab re kaam karanti aur parasite hisab re bhi kaam karanti and they have invaded most every types of native system to bahut sara alien invasive alien species bhi achanti to dekho invasive invasion aur species richness to invasion potentially lead to an increase in species richness jo part ta ba jo plant species amro invasion kala seida kon hobo automatically se tar population growth heijibo so as invasive species are added to the existing species pool but it also lead to extinction of native species to jete bele tar population badhi jibo invasion species manakar automatically se alga species jo thibe existing species tankar population ku threat asibo so the negative interaction are primarily the competition with native for food and sustenance to emane jete bele introduce hoti invasive species mane sete bele sei area re jo se mane basically competition karanti competition mane samaste janithibo दि जन जाकर लॉस हुए ना नहीं सो एटा ला इन्वेसिव इन्वेसन और स्पेसिस रिचनेस आगु तो हमें पढ़ीतिले स्पेसिस रिचनेस कोनो स्पेसिस इवेननेस कोनो हमें पढ़ीतिले तो इन्वेसिव एलियन स्पेसिस आसिला परे तार इफेक्ट कोन होची सिंपली हमें जानिचे बायोडायवर्सिटी लॉस होची नेटिव स्पेसिस डिक्लाइन होचंती जोटा कि एंडेमिक हमें खाली पढ़ीतिले बहुत सारा मामल माने एंडेमिक बहुत सारा ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ଏଲଭିରା ରିଆଟ୍ ଏଲଭିରା ରିଆଟ୍ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଭୁଲିଗଲ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ତମେ ପଢୁନ କି ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଏଲଭିରା ରିଆଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାରେଲ flying squirrel lambda pa arunachal pradesh rat ta tikhe khali elvira rat is in apnar jo pune bombay away re achi siangard mountain side is okay to id dekho elvira rat koti achi tamil nadu oh bhusan ro din sorry la तो जो सिनागढ़ प्लाटू जो कोठी अछि ना पुणे महाराष्ट्र एडा कोठी अछि कहारो एडा कोंडाना रेड क्वेश्चन एती क्वेश्चन आसीबो तमे याको ही रिपीट करिकि पढो देखिबो तमे तमरो मार्क रे इंक्रीज होबो ओके तो तापर देखो हैबिटेट लॉस रहउछि इन्वेसन हला पळ रे अलगा स्पीशीज मानकर पैथोजेन इंट्रोड्यूस होउछि व्हिच रिड्यूस क्रॉप एंड स्टॉक यील्ड degradation of marine and fresh water ecosystem so these are the effect to sabu to challenging part amro ei topic ro kon na invasive fauna india kon kon au invasive flora kon kon
तो इनवेसिव आम जेहेतु प्लांट स्पेसीज सब पढ़ुचे इनवेसिव फौना को ये सर्ट रे देछे तो ये पार्ट को मन रखिब क्वेश्चन भी आसी पारे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेसिव फौना तो देखो इत्रे लिखाई छि ए न्यू इनवेसिव गर्ल फार्मिंग इनसेक्ट यूकालिपटास इन सदर्न इंडिया तो यूकालिपटास माने आमे कौन फ्लोरा तो ये देख लिखाई छि क्रेजी आंट जियांट आफ्रिकन स्नेल माइना गोल्ड फिश पिजन डंकी हाउस गेको टिलापिया दीज आर द इनवेसिव फौना इन इंडिया तापर ये देख लेप्टो कैबी इनवेसा इट इज ए न्यू इनसेक्ट पेस्ट डिटेक्टेड फ्रॉम फ्यू पैकेट्स ऑफ कोस्टल तमिलनाडु एंड इट हैज स्प्रेड टू पेनिनसुलर इंडिया सो इट इज ए टिनी WASP दैट फॉर्म लीफ एंड स्टेम गेल इन यूकालिपटास यूकालिपटास को लेकिन ये पार्ट अच्छी तो सबुठ इम्पोर्टाट पार्ट है आलियान फ्लोरा जो इंडिया अच्छी तुमको क्वेश्चन में पड़ोता मन रखापी पड़ो तेना टोटाल जब आम देखा के 19 नंबर्स एथरे अछि 19 नंबर्स को तुम केमिति करिवो ना सेमति चारिटा कलम करिवो चारिटा कलम कि पांचटा कलम करिवो गोटे सीरियल नंबर दबो 1 2 3 4 5 सेकंड कलम रे लिखिवो नेम लिखिवो थर्ड कलम रे नेटिविटी लिखिवो जेमति नीडल बोस तार नेटिविटी कोन साउथ अमेरिका ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका नॉट खाली साउथ अमेरिका ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका तापर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया रे डिस्ट्रीब्यूशन तार कोन आमे सिंपली टिके आगरु देखितले जे आमर बेसिकली इंडिया पे सेटा इनवेसिव स्पेसीज ना नहीं तो इंडिया पे इनवेसिव स्पेसीज हमें कौन पे कहूँ ताको जेहेतु ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका रु सेटा आसी इंडिया रे इंट्रोड्यूस होई छी ओके तापर तार स्पेशल सिग्निफिकेंस कौन अच्छी तो ये लिखा है ओकेजनाली इन थ्रोनी श्रब एंड ड्राई डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड ऑफन क्रिएट्स क्लोज थिकेट्स तो तार स्पेशल पर्पज को स्पेशल फीचर को ये तुम नेक्स्ट कलम रे मेंशन करिवो एमती करिकि 19 जो इनवेसिव फ्लोरा अच्छा ताकु तुम मेंशन करियो ओके तापर देखो मेडिसिनल प्लांट को भी सेमती करियो मेडिसिनल प्लांट बेडम ब्लू भंडा पुच तो एमाने सब एमानकर तीनटा कलम करियो नेम लिखिबो तार डिस्ट्रीब्यूशन लिखिबो तार यूज लिखिबो जेतु मेडिसिनल प्लांट एमाने तांकर यूज रहउची यूज माने को को जगह रे केमती यूज रहउची बा तार डिस्ट्रीब्यूशन कोन क्वेश्चन पडिबो तो देखो ये सपोज आम गोटे एग्जाम्पल नवा रेड भंडा कौट मिलू मणिपुर आसाम आंध्र प्रदेश ब्लू भंडा कौट मिलू आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर सेम पार्ट मेघालय नागालैंड तो तार यूज कौन रेड भंडार यूज कौन और ब्लू भंडार यूज कौन तो तुम चेक करिवो ओके तो भंडा इज वन ऑफ द फ्यू बोटानिकल ऑर्चिड विथ ब्लू फ्लावर ए प्रॉपर्टी मोस्ट अप्रिसिएटेड फॉर प्रोड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिड तापरे एथिरे देखो रेड भंडार काम कौन एटा भी गोटे टाइप ऑर्चिड आर कलेक्टेड टू सैटिस्फाई एन एवर डिमांडिंग मार्केट ऑफ ऑर्चिड फैंसियर स्पेशली इन यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया तो देखो यूज अलग अलग रोच तेणु समस्त यूज पांचटा आम पांचटा नुह छा बोधे अच्छी बेसी अच्छी इलेवेन अच्छी तो इलेवेन पार्ट भी टेबुल कर टोटाल तुम तीन टा टेबुल कर यही सब्जेक्ट रे तीन टा टेबुल कले जाइए तुम पूरा डाटा को मन रख देख सब जिन फैक्चुअल डाटा अच्छी तुम जिते प्राक्ट करते मन रखी प्राक्ट कर एलभीरा रेट भाई सब भूल हाँ देख ट्री क्यारेक्टरीस्टिक्स ट्री रे जाने ट्री टाइप्स अफ ट्री फास्ट जो देखा आमर टू मेन टाइप्स अफ ट्री अच्छी गोटे डेसीडियस ट्री आ गए एवरग्रीन ट्री जोटा कि आम छोट बलू पढ़ुचे तो डेसीडियस ट्री मैंने तार पार्ट को माने लूज ऑल देयर लीव्स फॉर पार्ट ऑफ द ईयर तो किसी पार्ट रे से लीव माने गोटे वर्ष रे पत्र झड़ा जो कहते पत्र झड़ा करे लीव देन इन कोल्ड क्लाइमेट दिस हैपेंड ड्यूरिंग द ऑटोमन सो दैट ट्रीज आर बेयर थ्रू आउट द विंटर तो ऑटोमन रे जेहेतु पत्र झड़ा हुए से तबळ को विंटर रे ताकु पूरा बेयर हो जांती ए ट्री गुडा तो डेसीडियस ट्री इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डेसीडियस ट्री यूजुअली लूज देयर लीव ड्यूरींग द ड्राई सीजन एवरग्रीन ट्री जदि आम देखा जो पत्र को लूज करती सो डु नॉट लूज देयर लीव्स एट द एनी टाइम दे ऑलवेज हैव सम फॉलेज सो दे डू लूज देयर ऑल लीव ए लिटिल एट ए टाइम विथ ए न्यू वन ग्रोइंग इन रिप्लेस द ऑल एमती नुह कि एवरग्रीन ट्री मान लीव पड़े नी लीव पड़े बट किसी मात्र पड़े जमी जना पड़े नी बट बेयर हमें तो किसी लीव पड़ी दिखती किसी लीव था ओके
तो एन एवरग्रीन ट्री इज नेवर कंप्लीटली विदाउट लीफ। तो तारो डिफरेंस बुझी पार लो ट्री दीटा हमरो जो एवरग्रीन ट्री आउ डेसिडियस ट्री तो दीटा डिफरेंस बहुत इजी। तो सबुटु इंपोर्टेंट ला पार्ट ऑफ ए ट्री बट ए ट्री रे केमती तारो पार्ट को देखिबा। तो आमे सिंपली सर्च करिक मु तुमको देखौची पार्ट ऑफ द ट्री आगो देखिबा पिक्चर देखिबा। देखो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्री ओके। तो एथरे तमे कोन देखि परुचो एथरे देखो ओटे लिखाई छि ट्रंक लिखाई छि तापर एटी देखो रूट लिखाई छि आ ओटे ला क्राउन लिखाई छि। तो एटी बुक रे कोन लिखाई छि देखिबा रूट लिखाई छि क्राउन लिखाई छि लीफ लिखाई छि लीफ आमे देखितले तापर ब्रांचेस ट्रंक ओके। तो ट्रंक गोटे पार्ट तो ट्रंक रे जो पिक्चर देखु छ ए ट्रंक रे पुनी से भितर बहुत सारा जिनस अच्छी कौन कौन अच्छी आनुआल रिंग अच्छी बार्क अच्छी तापरे कैम्बियम सापवुड बा जाइलेम कौच जोटा हार्टवुड पीच ओके। तो एमती गला परे तापरे रूट रूट जो आमे देखी थे रूट और टाइप को इतने आमे देखिबा टाइप्स ऑफ रूट। तो एमती है कि आमर ए पार्ट कंप्लीट होउछि। तापरे कैनोपी को क्लासिफिकेशन केमती करिवो तो एटा हमें देखिबा। तो ट्री रफ बेसिकली पार्ट गुडा को हमें जस्ट डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट देखो रूट रूट सेतबल को पचारथली रूट रो काम कोन। सो रूट रूट बेसिकली कोन रूट आर द पार्ट ऑफ द ट्री व्हिच ग्रो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड से एटा हमर गछ ए ट्री देखो ए पिक्चर हे देखो एटा हमर अंडरग्राउंड रे रहउछि रूट। एटी देखो रूट तीनटा टाइप रो लैटरल रूट रूट हेयर आउ ट्रैप रूट। तो सिंपली याकू मन रखिबो आ रूट रो काम सेतरे मे भी देथिबो रूट रो काम बिसाइड कीपिंग द ट्री फ्रॉम टिपिंग ओवर द मेन जॉब ऑफ द रूट इट कलेक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल एंड स्टोर देम फॉर टाइम्स व्हेन देयर इज नॉट मच अवेलेबल ओके। तो रूट बहुत इजी। तापरे क्राउन क्राउन इज मेड अप ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस एट द टॉप ऑफ द ट्री। तो क्राउन रो पिक्चर पुणी सेम देखो क्राउन टा बहुत माने मेन आई मीन पर्टिकुलरली ट्री को देखु छे कहां को ना क्राउन को हमें देखु छे। देखो क्राउन रे कौन कौन सब अछि लीफ ट्विग ब्रांच फ्रूट फॉइलेज ए सब वाला क्राउन रो पार्ट। तो क्राउन कौन करे क्राउन शेड द रूट कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड अलाउ द ट्री टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर टू कीप इट कूल ओके। सो एटा है क्राउन। तापर देखो लीव लीव दे आर द पार्ट ऑफ द ट्री व्हिच कन्वर्ट एनर्जी इनटू फूड। तो लीव माने जानी छो लीव से माने एनर्जी को कन्वर्ट करंदी फूड रे। सो लीव आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन आसीबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द ट्री लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द ट्री। दे कंटेन ए वेरी स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इट इज क्लोरोफिल व्हिच गिव लीव टू देयर ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल व्हिच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। लीव्स यूज सन्स एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। The sugar which is the tree's food is either used or stored in branches, trunk and roots. The oxygen is released back into atmosphere. तो ये समस्त जानी चो photosynthesis रो process तो मैं समस्त जानी चो तो मुझे इतने explain करूँ नहीं। तापर देखो branches branches provide support to distribute the leaf efficiently for the types of tree and environment. तो ये picture देखो branch इधर देखो picture ये उड़ाला छोटा छोटा branch तो मैं देखी पर तो branch लिखा ही जी कोटा। They also serve as conduit for water and nutrient and storage for extra sugar. So sugar emane bhi store karanti kie branches. Tapre dekhiba ame trunk. Trunk of the tree provides its shape and support and hold of the crown. So crown ku kie hold kare trunk. The trunk transport water and nutrient from the soil and sugar from the leaf. So trunk ra function tumi janilo. So part of the trunk ku ame dekhiba. एटी आमे मु जदी पुणि अथरे सर्च करूची पार्ट ऑफ द ट्रंक। देखो एटा हला ट्रंक ओके। ट्रंक रे कोन कोन अछि जस्ट देखो तापर आमे देखिबा। ट्रंक रे फर्स्ट अछि देखो पीच अछि पूरा सेंटर पार्ट आमे देखु छी देखो पीच। तापर नेक्स्ट अछि हार्टवुड ओके। देन हमरो कौन अच्छी ग्रोथ रिंग अच्छी। तापरे सापवुड
सापोड अछि तापरे कैम्बियम तापरे देखो लास्ट सेकंड लास्ट रे इनर बार्क अछि लास्ट रे आउटर बार्क अछि तो सही जिंसो इथरे अछि बार्क बार्क को आगो एनुअल रिंग को फर्स्ट देखिबा एनुअल रिंग एटी दिछि ना नै हां ग्रोथ रिंग अछि एनुअल रिंग सेटा को ही एनुअल रिंग कहंती तो एनुअल रिंग कोन इनसाइड द ट्रंक ऑफ ए ट्री देयर आर नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग ओके तो ग्रोथ रिंग रे तमे देखि परलो एउडा ग्रोथ रिंग बहुत सारा बुली की अछि राउंडिंग ही की सो ईच इयर्स ऑफ द ट्री लाइफ ए न्यू रिंग इज एडेड सो इट इज रिपोर्ट एज एनुअल रिंग तो जत्ते सब गछर गछ अछि देखिबो सब वर्ष गोटे गोटे रिंग तार बड़ी बड़ी चलती सो इट इज यूज टू कैलकुलेट डेंड्रोक्रोनोलॉजी ओके डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्वेश्चन आसो डेंड्रोक्रोनोलॉजी रेफर्स टू एज ऑफ डैश एज ऑफ ट्री एंड पालियो क्लाइमेटोलॉजी द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग तो गोटे ट्री रो एज केमती आम मेजर कर पारिबा ना तार ग्रोथ रिंग को मेजर करके ओके नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग जेते थिबो तारो ए सेती सो द साइज ऑफ द ग्रोथ रिंग इज डिटरमाइंड इन पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन टेंपरेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी सो एनुअल रिंग विषय जानिलो तो एबे हम देखिबा बार्क बार्क रो पिक्चर देखैथिली मु तुमको इनर बार्क आउटर बार्क ओके तले बार्क कोन ना बार्क आर द आउटसाइड लेयर ऑफ द ट्रंक ब्रांचेस एंड ट्विग्स ऑफ द ट्री बार्क सर्व्स एज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ट्री सो ट्री एक्चुअली हैव इनर बार्क एंड आउटर बार्क The inner layer of the bark is made up of living cell and outer layer is made up of dead cell sort of like our finger nail the scientific name for the inner layer of bark is phloem to phloem au xylem samaste padhicho agru choto bolu xylem au phloem bitare na kon mane taro difference kon tame ko next week re question asibo tumar example The transfer of water from root to soot is xylem and transfer of nutrient and mineral flowing. Outre. The transfer of water from root to soot xylem. And phloem transfer of nutrients and mineral flowing. Okay. So it likha is dekho. The scientific name of the inner layer of the bark is phloem. तो मेन जॉब ऑफ दिस इनर लेयर इज टू कैरी सैप फुल ऑफ सुगर फ्रॉम द लीफ टू द रेस्ट ऑफ द ट्री तो फ्लोएम रो इथरे लिखाई छि मेन जॉब कोन ना कैरी सैप फुल ऑफ द सुगर फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द ट्री ए नंबर ऑफ हैंडी थिंग्स आर मेड फ्रॉम द बार्क इंक्लूडेड लैटेक्स सिनामोन एंड सम काइंड्स ऑफ पॉइजन इट इज नॉट सरप्राइजिंग द स्ट्रांग फ्लेवर स्केंट एंड टॉक्सिन कैन often be found in bark of different types of tree tanu se ame bark jo achi different type of tree re ethre kon kon achi na flavor achi strong flavor toxin tame eucalyptus gacho ko sungi ki dekhibo taro bark ko dekhibo jani paribo kete strong flavor sethre rahi chi even taro jo patra guda ko dekhibo patra guda ko kati ki dekhibo dekhibo taro keti smell rahuchi strong smell okay tapra dekho next cambium Cambium are the thin layer of living cell just inside the bark is called cambium. Cambium. So it is the part of the tree that make new cell allowing the tree to grow wider each year. The question is which part of the tree make new cells allowing the tree to grow wider each year. Answer is cambium. So this part is one of them. Okay. Tapra dekho sapwood. Sapwood mane xylem. सो जाइलेम माने साइंटिफिक नेम ऑफ सैफवुड इज जाइलेम सो यस जाइलेम केमती केमती हमरो कंसिस्ट हेची ना इट मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ लिविंग सेल दैट ब्रिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ब्रांचेस ट्विग्स एंड लीव्स से जेमती कहला बेसिकली न्यूट्रिएंट रूट रु ब्रांचेस को के नउची जाइलेम नउची तो इट इज द यंगेस्ट वुड ऑफ द ट्री ओवर द इयर्स द इनर लेयर ऑफ द सैफवुड डाई एंड बिकम हार्डवुड तो ये पुणी देख सापुड को तुम देखी पार्च ये सापुड हार्डवुड ओके तो हार्डवुड कौन हार्डवुड इज ए डेड सापुड तो पुणी पिक्चर को देखा सापुड देख अच्छी हार्डवुड सापुड पिक्चर देख येलो देखा हार्डवुड पिक्चर टिके डीप ना नहीं तो ये देख से हार्डवुड इज द डेड सापुड is in the center of the trunk
इट इज द हार्डेस्ट वुड ऑफ द ट्री गिविंग इट सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन आसीबो व्हिच इज द हार्डेस्ट वुड ऑफ द ट्री गिव्स इट सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द ट्री। इट इज यूजुअली डार्कर इन कलर दैन सॉफ्टवुड। जोटा आम देखिले देखिले आम हार्डवुड टे डीपर रोचे डार्कर रोचे सॉफ्टवुड टू। तापर देखो पिच। पिच इज द तीन डार्क स्पॉट ऑफ स्पंजी लिविंग सेल राइट इन द सेंटर ऑफ द ट्री ट्रंक। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड ऑफ थ्रू द पिच। तो तुम्हें जो यूकेलिप्टस गछ को देखि से छोट छोट तार तुम जो मोर एग्जांपल दौर जो छोट बेल आम ब्रश न था का घसु थाऊ से तुम देखि लक्ष्य करंब गचर का तुम ब्रश कर चेक कर से जो मिडिल पार्टा जो रोचे से आम कौन कौचे पिच। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड ऑफ थ्रू पिच। तो मन रख एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहाँ थ्रो रे जाउची पिच थ्रो रे जाउची। सो इट्स प्लेसमेंट राइट इन द सेंटर मीन्स इट इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज बाय इनसेक्ट द वाइंड और एनिमल। ओके तो पिच को भी तुम देख ल। तो आम बेसिकली जो जिनस गुटा डिस्कस कल किए कहपर व्हाट आर द पार्ट ऑफ द ट्रंक। ट्रंक रो को पार्ट सब हम डिस्कस करले सर ग्रोथ रिंग बार्क पिच कैम्बियम सपोर्ट एंड हार्डवुड। हार्डवुड पिच ओके। तो ये पिक्चर को तुम्हें सॉल्व करके तुम्हें खाता रे लिखिबो एटा को मौजूदी मन रखिलो ताले तुम मन रख पारिबो। ओके ग्रोथ रिंग पिच हार्डवुड सपोर्ट कैम्बियम इनर बार्क आउटर बार्क। कैम्बियम रो काम कोन सर न्यू सेल मेकिंग थ्री टू गो आउट वाइडर न्यू सेल ऐड करबो ट्री रो विड्थ ता बडो बदिनो दिनो हले ट्री ता दिनो दिनो ब्रॉडर ही जइबो सेटा को से अलाउ करे। ओके तापर देखो रूट टाइप। रूट टाइप यदि हम देखियो बहुत टाइप रो रूट टाइप अछि गोटेला टैप रूट सेकंड हला लैटरल रूट थर्ड हला एडवेंटियस रूट फोर्थ हला वर्ट्रेस तापर प्रॉप रूट्स स्टिल्ट रूट न्यूमेट्रो कौन एटा न्यूमेट्रो फोर तापर होस्ट्रोडियल रूट स्टोरेज रूट आउ माइकोरिजा। तो ये सब रूट को भी तुमको टेबुल करने पड़ो कौन पर बहुत सारा रूट अच्छी तुम मन रखिपर गोटे थर में। तो टैप रूट राम कौन ना प्राइमरी डिसेंडिंग रूट फॉर्म बाय द डायरेक्ट प्रोलंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। लैटरल रूट कौन रूट दैट अराइज फ्रॉम द टैप रूट एंड स्प्रेड लैटरली टू सपोर्ट द ट्री। एडवेंचियस रूट कौन रूट दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दैन द रेडिकल और इट्स सब डिविजन। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एडवेंटियस रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन ट्री। तापर देखो बट्रेसेस दे आर आउटग्रोथ फॉर्म यूजुअली वर्टिकली अबव द लैटरल रूट एंड थस कनेक्ट द बेस ऑफ द स्टेम विथ रूट। दे आर फॉर्म इन द बेसल पोर्शन ऑफ द स्टेम। तो ये जब आम देखा सर्च करवा टाइप्स ऑफ रूट देखो यही टाइप रूट सब अच्छी। तो तुम सर्च करके सेपरेट टेबुल कर। तो ये देखो एडवेंशियस रूट अच्छी ए प्रॉप रूट अच्छी एरियल रूट अच्छी फाइब्रस रूट अच्छी तेना यही सब रूट गुड़ाक तुम निजे पढ़ो। ओके तो लास्ट देख ये अच्छी माइकोरिजा। तो दिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉडिफाइड रूटलेट विथ फंगल टिश्यू। तो मॉडिफाइड रूटलेस और फंगल टिश्यू जब कंबाइन होते कौन फॉर्मेशन होची माइकोरिजा फॉर्मेशन होची। तो एग्जांपल दे परिबो जत बेले निमाटोफोर सील्ड रूट ए सब जिनस को तमे मन रखिबो। ओके तापर सबुटो इंपोर्टेंट देखो आ गोटे नेक्स्ट इंपोर्टेंट कैनोपी क्लासिफिकेशन। आमे गोटे कैनोपी को बा गोटे फॉरेस्ट को फॉरेस्टर कैनोपी को केते बेले ओपन फॉरेस्ट कहि परिबा आ केते बेले क्लोज्ड फॉरेस्ट कहि परिबा केते बेले डेंस फॉरेस्ट कहि परिबा केते बेले थिन फॉरेस्ट कहिबा ताकू मन रखा पड़ो। सो डेंसिटी जदि 1.0 ताकू आमे क्लोज्ड फॉरेस्ट कहवा डेंस फॉरेस्ट 0.75 टू 1.0।
थीन 0.5 टू 0.75 अपॉन हला लेस देन 0.50 ओके तो कैनोपी एमती है कि क्लासिफाई हो छी तापर देखो ट्री रो बहुत सारा अलग कैरेक्टर भी अछि फेनोलॉजी फेनोलॉजी गोटे स्टडी तो फेनोलॉजी साइंस दैट डील्स विथ टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियडिक इवेंट्स सच एज लीफ शेडिंग एटसेट्रा ओके तो फेनोलॉजी इज तापर एटियोलेशन एटियोलेशन विद द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लाइट प्लांट बिकेम पेल येलो एंड हैव लॉन्ग थिन इंटरनोड तो याकु हमें एटियोलेशन कहउचे तापर ऑटोमन टिंट इन सम ट्री लीव्स अंडरगो ए स्ट्राइकिंग चेंज इन कलर बिफोर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री बहुत सारा ट्री देखिबो से माने जेतबेले पडिया पे माने तांकर फॉल जेतबेले हेबो सेतबेले को तांकर कलर भी बहुत सारा चेंजेस हो जाए बहुत सारा चेंजेस होय सेति में ताकु ऑटोमन टिंट कहंती तो ए सब पार्ट को देखिबो टापर कोन टापरिंग केतबेले हुए साल ट्री रो एग्जांपल लेछि बांबो ग्रीगरियस फ्लावरिंग तो ये पार्ट को देखो ये पार्ट को नहीं कि मु क्वेश्चन पचारि भी तुमको नेक्स्ट क्लास रे तो ये हमें जदि आजिरो क्वेश्चन को जदि देखिबा ये देखो गोटे बॉक्स रे थिला व्हिच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई इजी क्वेश्चन बैट बैट जदि तुमको एबे बोर लागुची मोडे एग्जांपल दउछ हला तो जेतेबेले हमें छोटो थिलु सेतेबेले सोइया पे सकाळे जेतेबेले सोई की उठू सेतेबेले को जेते डाकिले भी सुनिबार नै के मां डाकिले भी सुनिबार नै बापा डाकिले भी सुनिबार नै कि जे भी डाकिले सुनिबार नै छोटा बेल को जेतेबेले डाकिबे किंतु सेतेबेले हम बापा कोन करथले ना गोटे गीत गाउथले गीत माने कोन गोटे गीत अछि मोर जस्ट मने पड़े सोई थाओ धन आरामे सोई थाओ रे शिशु पथ श्रम करी आसीच श्रमे विराम मिशु एटा किए लिखी थे किए कही पार स्वभाव कवि किए स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लिखे गीत जो कहते गाँती से आम भौणी आ मुझे सांगे उठी सांगे सांगे बही धरिकी पढ़ू ओके तो सही टाइप रो तुम जदि एबे बोर होछ तबे एक्टिव हो जाओ नेक्स्ट पांचटा कि दसटा क्वेश्चन हमें डिस्कस करिबा तो जो जिनस हमें पढ़िले ताकु हमें डिस्कस करिबा ओके तो अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन ग्रोथ ऑफ द प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिटार्ड ग्रोथ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आउट ऑफ द 7 कलर इन विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ओनली रेड एंड ब्लू आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस आंसर कौन ओनली टू ओके वेरी गुड ठीक अछि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट ऑन प्लांट किलिंग ऑफ ऑल ऑफ द अबव किलिंग ऑफ यंग प्लांट डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डैमेज टू सेल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैंकर तापर देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ स्नो एंड टेम्परेचर ऑन प्लांट स्नो एक्ट एज ब्लैंकेट प्रिवेंट फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट सीडिंग फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड एंड फ्रॉस्ट एक्सेसिव हाई टेम्परेचर डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस thereby causes depletion of food resulting in greater susceptibility to fungal and bacterial attack what both one and two okay the process of progressive dying usually by backward from the tip of any portion of the plant is called कांकर मु कहितली जेतबेले हमर लीचेन फिचेन सब जेतबेले गछ ऊपर जमी जिवे ता कांकर कहउछे ता कोआगुलेशन जेतबेले हमर कोन हुए आ जमाट बांधी दिए सब न्यूट्रिएंट ताको हमें कोआगुलेशन कहउछे तो एट पार्ट गुडा को भी मन रखिबो पार्शियल पैरासाइट हमें डिस्कस करथले तापर देखो व्हिच अबाउट इंसेक्टिवेरस प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट active insectivorous plant uses a pitfall mechanism these plants are successful in nutrient poor habitats they supplement their photosynthetic food production by tapping insect and
digesting their nitrogen rich bodies. All are correct. All are correct. ତାପରେ ଦେଖ ଟେଣ୍ଟାକେଲ ଅନ୍ ଦ ଲିଫ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏ ଷ୍ଟିକି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ that signs in sun like dew drop. These plants are known as drosera. Sure. Drosera. Okay. Yes, sir. Fine dew. Drosera. Tapre, which insectivorous plant of India used to treat chlorella patient, cholera patient? Ita am discuss kar nanti. ନେପେନ୍ଥେସ୍ ତ ତମେ ପଢିବ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ କରିବ ତମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ନେପେନ୍ଥେସ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଆବାଉଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇନୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରାଇନୋ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି ରିସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରାଇନୋ ଡାଇଜ୍ ଇନ୍ 57 ଓନ୍ଲି 2 ହବ ବୋଧେ ସାର୍ କାରଣ ସବୁଠୁ ଜାଭା ଆଉ ସୁମାତ୍ରାନ ରାଇନୋ ସବୁଠୁ ସାନ ରାଇନୋ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ହବ ବି ତାପରେ ଦେଖ ଲେପ୍ଟୋସାଇବି ଇନଭାସା ଇଜ୍ ଏ ଇନଭାସିଭ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାର୍ଡ ମାମାଲ ଇନସେକ୍ଟ ଆଇଟି ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ଭୁଲ ଫ୍ରେମ୍ କରିଥିବି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଏଲିଏନ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଉ ନେଟିଭିଟି ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କର ନିଡିଲ୍ ବୋସ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ଅଲ୍ଟର ମେନ୍ଥାରା ପରାନ୍ତୁକ୍ କିଓ ଡାଇଟ୍ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପାରାନି କ୍ୟୁଆଇଟ୍ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ଗଟ୍ ୱିଟ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟ୍ରିକି ପ୍ରପି ଟ୍ରପିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ଆନ୍ସର ହେବ ବି ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟର ମେନ୍ଥାରା ଏଇଟା କ'ଣ ଟ୍ରପିକାଲ ଆମେରିକା ଓକେ ନଟ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଲିଆନ୍ ସ୍ପିସିସ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଜିଲ ପାଲମେରା ଫୋର ଓ କ୍ଲକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରୋସିଫିସ୍ ଜୁଲିଫ୍ଲୋରା ସ୍ଲିପିଂ ଗ୍ରାସ୍ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ କଲାମାର୍କା କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭକୁ ନେଇକି ବି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲାଇଜର ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିଭ୍ ହର୍ବ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାରାନୋଇଆ ଆଣ୍ଡ ସିଜୋଫ୍ରେନିଆ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ କଣ୍ଡାଇଥା ଗ୍ଲୁଭଣ୍ଡା ସର୍ପଗନ୍ଧା ସପ୍ତଗନ୍ଧା ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ ଓକେ ଆନ୍ସର ହବ ସି ତାପରେ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେରୋଫେଜିଆ ସ୍ପେସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଡୋଫାଇଲମ୍ ଟ୍ରିଫର୍ନ ସାଇକାଡ୍ସ ସେରୋଫେଜିଆ
आंसर हो ए सेरोपेजिया स्पीसीज। तापरे आउटसाइड लेयर ऑफ द ट्रंक ब्रांचेस एंड ट्विग्स ऑफ द ट्री इज कॉल्ड बार्क 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 बार्क। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्रंक इज यंगेस्ट वुड ऑफ द ट्री सैपवुड 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 आई एम हां सर सैपवुड। हार्डवुड हार्डवुड सापुड जाइलम ओके। रूट्स रूट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल ऑफ द ऑफ रेडिकल और इट्स सब डिवीजन इज कॉल्ड लैटरल रूट है थे वो एडवेंटिजियस एडवेंटिजियस रेडिकल और इट्स सब डिवीजन अदर देन रेडिकल और इट्स सब डिवीजन हैला कोड़े नंबर सी एडवेंचियर रूट। तापरे एडवेंचियस रूट व्हिच इमर्ज फ्रॉम द बॉट ऑफ द ट्री अबव ग्राउंड लेवल सो दैट द ट्री अपीयर्स एज इट सपोर्टेड ऑन फ्लाइंग बटरेसेस इज कॉल्ड प्रॉप रूट स्टील रूट न्यूमोटोफियर ना ना सर प्रॉप रूट बाहर बाहर जोड़ा बाहर थियो सर प्रॉप रूट बदे ओके स्टील रूट आंसर हो स्टील रूट। तापर देखो विथ द अब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लाइट प्लांट बिकम पेल येलो एंड हैविंग लॉन्ग थिन इंटर नोड इज कॉल्ड एटियोलेशन 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 ओके। तापर देखो अबाउट एरियल सीडिंग एरियल सीडिंग तुम्हें जानी थी वो सुनी थी वो आगो अबाउट एरियल सीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग द सीड एरियली इन इंडिया नॉट करेक्ट पचारि इन इंडिया एरियल सीडिंग हैज बीन डन ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस ऑन चंबल रिवर इन यूपी राजस्थान एटा देन रिसर्च कैरिड आउट ड्यूरिंग 1982 शोज दैट सर्वाइवल परसेंटेज वाज 97.3 एंड 2.7 फॉर प्रोस्पेरिस जुलिफेरा आकाशिया रेस्पेक्टिवली देन दे सर्वाइव इंडिकेट द सर्वे इंडिकेट दैट नियरली 50% ऑफ द एरिया हैज नॉट रेस्पोंडेड फॉर एरियल सीडिंग एट ऑल। आंसर अबाउट डी द सर्वे इंडिकेटेड दैट 25% ऑफ द एरिया हैज नॉट रेस्पोंडेड। एक क्वेश्चन देखिबो से जो चैप्टर देखिबो डिटेल पढ़ले जानि परिबो देन अबाउट प्लांट वैरायटी पैरासाइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पैरासाइट प्लांट डू नॉट अलाउ मॉइस्चर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल sand tree is a total parasite sandal tree one only two only one. One and two neither one and two only one mabavich only one okay dekho parasite bisar deichi tabe sandal tree is a partial root parasite okay kon pai na this species grow independently in beginning but in few months develop hostorial connection with roots of the some herb and later with some tree species growing its vicinity sandal tree manufacture its own food but depend upon the host likes other partial parasite for water and mineral nutrient to eti eti kire amaro complete hela ta ajiro topic cover hela kintu tomaro kamo jo rahila chatta jo kamo chatta table karibo mu kahitli taku kie kie karibo hato tako tapra bond karibo तो जो माने करू संति डेली तांको छाडी कि जो माने करू ना हंते तांको दियो हां किए किए करिन काली ताकु ताकु एग्जेम्पशन आ किए कर माने करिन से निजे निजे हाथ टाको नले मु डायरेक्ट देबी तमु ओके मिकी कैन ट्राई मिकी तमे ताल कोन करिवो ना इंसेक्टिवेरस प्लांट को तमे मेंशन करिवो ओके तो मिकी को दिया गला तापरे आउ के नबो शर्मा शैलसुता अभिलेप से हाथ टेकले तो शैलसुता इंसेक्टिवेरस प्लांट गला तापरे इनवेसिव एलियन स्पीसीज सबटु बडो काम
ओके तो इनवेसिव एलियन स्पेसीज मानक लिस्ट कर तुम पांचटा कलम कर तो यही सब पार्ट को तुम कर जदि तुम जापर तो मेसेज कर तापरे अभिलिप्सा अभिलिप्सा कर मेडिसिनल प्लांट मेडिसिनल प्लांट जिते सब अच्छी टोटल मेडिसिनल प्लांट आम के इलेवेन तो इलेवेन मेडिसिनल प्लांट को तुम कर टेबुल करके तापरे लास्ट सर मो किए श्रीनिवास ओके मु भावुथली श्रीनिवास नो बोली कि निजे नो निजे गोटे भावु ओके तो तुम्हें कौन कर मुझे जस्ट देखा रुह आम एटा तो लास्ट रहा ये जो टाइप ऑफ रूट जो ताकू तुम गोटे टेबुल कर तो जितना रूट अच्छी जितना टाइप अच्छी ताकू तुम एमती टेबुल कर टेबुल फास्ट लिख 1 2 3 4 5 फास्ट लिख टैप रूट तार कम सेकेंड लैटरल रूट तापरे तार कम एमती लिख एटा बहुत इजी तो तुम एटा इजिली करपर ओके तो एमती चारिटा टेबुल मोर दरकार काली भितरे तुम काली मॉर्निंग भितरे तुम यू पोस्ट कर ग्रुप रे ओके आउ कार किसी कहिवार अछि डाउट अछि सर जेते बले इंग्रज माने तो आम भारत छाड़े 1947 मसीह रे तो आ जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेतला माने संविधान तयार हुआ तो वर्ष का आगुरु तो जे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कोन सा पूर्व तयार हे पल्ला ने कोन ना इंग्रज माने भारत छाड़ियार वर्ष का पूर्व जो माने स्वाधीनता संग्राम थिले मा लीडर माने थिले सेमाने कोन जानि जाइथिले इंग्रज माने वर्षक भीतर आउ अधिकार दिन रहि पारिबेनि त आमे आमो संविधान ता लिखिबा अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमती हेतिला को प्लान अनुसार हेतिला आंसर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को केमती हेतिला तारो माने को कमिटी करथिला बा को कमिटी रेकमेंड कला परे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेला आ को प्लान रेकमेंड हेला परे इंडिया इंडिपेंडेंट हेला से दिटारो आंसर तमे जदि जानिबो ताले ताकु आंसर तमे ऑटोमेटिकली पाइजबो के जानिचो को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कमीशन कैबिनेट मिशन प्लान रहना कैबिनेट मिशन प्लान के बेस्ट ला 1946 तो कैबिनेट मिशन प्लान जेते बड़ा आसला 1946 रे सीए कहला जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो तो सेति पई से माने कांग्रेस आउ मुस्लिम लीग से माने एक्सेप्ट करले सेति पई सेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हला तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो कि न हो सेटा पर डिसाइड हला सेटा केबे डिसाइड हला ना माउंट बेटन प्लान रे डिसाइड हला त माउंट बेटन प्लान कहला जे इंडिया इंडिपेंडेंट हो आउ इंडिया डिवाइडेड हो पाकिस्तान अलगा ताकू सेटा एक्सेप्ट करले समस्ते सेति पई सेटा तमरो कन्फ्यूजन रहउची जे ए माने कोन जाइन नथले कोन पने से माने रेकमेंड करथले से माने रेकमेंडेशन ताकरो रेकमेंडेशन ना एक्सेप्ट करले इंडियन माने ओके तापरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे दीटा काम थला कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो दीटा काम थिला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मिकी आंसर दला तापरे सेकंड काम कौन ओके तो लक्ष्मीकांत तुम्हें भल से पढ़ी न लक्ष्मीकांत रे लिखा है लक्ष्मीकांत रे जहां लिखा है तुम्हें ताको चेक करी ग्रुप रे पोस्ट करिवो ओके दीटा काम पूरा लिखाई डायरेक्ट लिखाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो दीटा काम थिला फर्स्ट काम एटा सेकंड काम एटा ताको तुम्हें पोस्ट करिवो ओके सो ठीक अछि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन बाय बाय गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट सर गुड नाइट सर थैंक यू सर